आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अभिषेक अपने माता पिता के साथ एक सोसाइटी फ्लैट में रहा है। वह कक्षा 9 में पढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ शिकायत कर रही कि दूधिया जो दूध दे जाता है वो शुद्ध नहीं है। जब उसकी माँ ने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी दूध शुद्ध न होने की शिकायत है। तो अभिषेक ने कुछ देर इस समस्या के बारे में सोचा। इसके बाद वह बाजार गया और दूध की शुद्धता जांचने के लिए कांच का एक उपकरण खरीदा। बेटा इसको क्या कहते हैं जो दूध की शुद्धता की जांच करता है? उस उपकरण का नाम होता है लैक्टोमीटर। तो अगले दिन जब दूधिया दूध दे गया, अभिषेक ने उसका दूध एक लंबी परख नली में लिया और उपकरण को उसमें खड़ा कर दिया। उसने तब दूधिया को समझाया कि कैसे यह उपकरण बता है कि दूध शुद्ध नहीं बल्कि मिलावटी है। तो दूधिया ने तब अपनी गलती मानी और वादा किया कि आगे से वह शुद्ध दूध ही दे करके जाएगा। तो अभिषेक ने इस घटना के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया। आखिर सोसाइटी के सभी घरों ने वह उपकरण खरीद लिया और दूध की शुद्धता की जांच करने लगे। तो अभिषेक ने जो उपकरण खरीदा वह दूध में मिलावट की मौजूदगी की पुष्टि कैसे करता है हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमारे पास में ठीक है जो वो उपकरण था। सबसे पहले तो मैं उस उपकरण के बारे में बताऊं। उस उपकरण का नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है? उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर, जो कि ये बता रहा है कि हमारा जो दूध है वो कितना शुद्ध है और कितना उसमें मिलावट है, पानी की मिलावट है। तो हमें पता है कि जब भी हम दूध में पानी मिलाने पर क्या हो जाता है, उसका घनत्व कम हो जाए, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। और घनत्व कम हो जाता है तो घनत्व कम होने पर जो FB होता है, उत्प्लावक बल हमारा, क्या होता है? उत्प्लावक बल, ठीक है। जो द्रव लगाता है उत्प्लावक बल है ना, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना, घटता है। जैसे उसमें डूबी वस्तु जो है वो ज्यादा डूबती है, जिससे उसमें वस्तु ज्यादा डूबती है, ठीक है, ज्यादा डूबती है। किस बेटा? मिलावटी दूध में। किसमें? मिलावटी दूध में, ठीक है। और अगर शुद्ध होता है तो शुद्ध का तो घनत्व बहुत ज्यादा होता है ना। शुद्ध दूध का घनत्व पानी ज्यादा होता है। शुद्ध दूध का घनत्व क्या होता है बेटा? पानी से ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा? उत्प्लावक बल ज्यादा लगेगा और ऊपर की तरफ में ज्यादा धकेलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसके अंदर ज्यादा डूब रहा है और ये इसके अंदर कम डूब रहा है। यहां पर देखा जाए तो ये H1 और ये H2। तो जो H1 है वो बड़ा है किसे? H2 से। यानी कि इसके ऊपर यहां पर जो FB लग रहा है ना, और यहां पर जो FB लग रहा है, FB किसके अंदर? A के अंदर। ये FB किसके अंदर? B के अंदर। तो किसके अंदर ज्यादा लग रहा है ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल? वो लगा है B में। वो किसमें लग रहा है? लग रहा है, ठीक है। उत्प्लावक बल मतलब बॉयंसी फोर्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कैसा होगा? ये वाला शुद्ध होगा, किसने ज्यादा लगाया है, शुद्ध दूध है ना। और ये वाला कैसा है? मिलावटी दूध है इसमें। तो यही इसके उत्तर होंगे बेटा। मैंने आपको ये वाली चीज बता दी है ना, यही इसके उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।